गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तलेगांव के अद्भुत अद्वितीय अविश्वसनीय जगह से पुनः आपका स्वागत है। आज जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वास्तव में यहाँ का इंडेक्स, एयर इंडेक्स सबसे अच्छी मानी जाती है। प्राचीन काल से ही यहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आया करते हैं। और इसी संदर्भ में जब मैं इधर आया तो देखा कुछ लोग यहाँ पे अपने श्रम दान कर रहे हैं, और ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने कार्यों का संपादन करते हैं और संडे के दिन अपना श्रम दान करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? हम सुंदर से ही है, तलेगांव से। ओके सर, हम जैन इंडस्ट्री में काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक कितना प्लांट्स लगाया है? हम नियर अबाउट 25 प्लांट्स लगाए हैं। 25? लेकिन आपके टीम काफ़ी अच्छे काम कर रही है। सबसे खूबसूरत ये सब चीज़, हम जैन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, हर संडे के दिन हम प्लांटेशन के लिए देखभाल के लिए आते हैं, और जो इधर का कचरा वगैरह जो रहता है, बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह, वो सब निकालते हैं। थैंक यू सर। आप कैसे और कोई बातचीत करेंगे क्या? सर क्या नाम हुआ आपका? यशवंत चरण। आप लोग क्या यहाँ एवरी संडे आते हैं? एवरी संडे आते हैं मॉर्निंग में। काफी खूबसूरत। अगर आप देखें यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे किनके हैं? मेरे। क्या कारण है आप छोटे बच्चे को यहाँ लेकर आए हैं? उनको बचपन से मोटिवेशन आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे के भविष्य के लिए। एक मिनट, दब गया। हाँ सर, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को आपने लेके आया है, क्या उद्देश्य है? हमारे बच्चों को उनको पता चलना चाहिए कि भविष्य में क्या पर्यावरण नहीं रहेगा तो उनकी क्या बीमारियाँ आएगी, क्या प्रॉब्लम आएंगे, उसके हिसाब से उनको पता चलना चाहिए कि झाड़ लगाने से क्या फर्क गिरता है, पर्यावरण का रक्षण होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, गर्मी की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। पर्यावरण लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। वास्तविकता यह है कि अगर आप किसी भी जीव जंतु को देखेंगे तो किसी को गुरु की आवश्यकता नहीं है, केवल मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे गुरु की आवश्यकता होती है। इसका मूल कारण है कि हम अपनी प्रकृति से, अपने नेचर से हमेशा दूर भागते जाते हैं, और अगर आप किसी भी जीव जंतु को देखें तो उनके पेरेंट्स ही उन्हें ट्रीट करती है, क्या करना है, कैसे करना है, प्रकृति के साथ कैसा सामंजस्य बना के रखना है। लेकिन हम इन सारे चीजों को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण गुरु, स्कूल, टीचर की आवश्यकता होती है, और अनंत तरह की बीमारियों से हम लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। वास्तव में ये प्लांट को लगाने के साथ साथ बच्चों को इस तरह का शिक्षा देना, यही वास्तव में एक सबसे बड़ी संपत्ति है जो आप अपने इस चीज को, अपने इस ज्ञान को, इस अद्भुत अद्वितीय ज्ञान को अपने आगे वाले जनरेशन को दे रहे हैं, ताकि वह इस चीज को आगे प्रसारित कर सके। सभी ने वैसा करना चाहिए, अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए भविष्य के लिए। जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो इससे सॉल्व होने वाला है। हाँ, तो सभी, मेरा सबको निवेदन है कि सबने अपने अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए और भविष्य को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। वास्तविकता यह है कि न केवल बच्चों को, बल्कि अगर आप संडे के दिन, संडे के दिन अगर आपको छुट्टी हो तो इस तलेगांव के अद्वितीय जमीन पर आए और अपना श्रम दान दें, क्योंकि यह मेरा नहीं, हम लोगों का है, और आप लोगों के सहयोग से ही यहाँ पर क्रांति आ सकती है। मैंने विगत 3 से 4 साल में देखा है कि लायंस क्लब, नगर पालिका, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और न केवल इन लोगों ने बल्कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना बहुमूल्य समय देकर, अपना बहुमूल्य समय, पैसा, धन दौलत लगाकर यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत की है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यह कार्य इसी तरह आगे चलता रहेगा। आने वाले लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा यह संदेश है आप सभी को कि आपके भविष्य में जो ग्लोबल वार्मिंग, इस साल आपने देखा है कि जो गर्मी बढ़ रही है, सभी लोग एसी वगैरह खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, उससे अच्छा संडे के दिन आइए, थोड़ा नेचर के साथ काम कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए कि कैसे चलता है, और जितना झाड़ी लगाओगे उतना कूलर और एसी का काम कम गिरेगा, और भविष्य में आपको नेचुरली जो हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और सभी ने एक साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, जितना टाइम मिलता है आपको उतना टाइम स्पेयर निकाल के संडे के दिन काम कीजिए। बिल्कुल सही, किसी ने सही कहा है, साथी हाथ बटाओ, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाओ। लगातार सौंदर्यीकरण का कार्य झील पर आरंभ है।
अगर आप कहीं भी देखो हर एक जगह प्रकृति की धरोहर को बचाने का कार्य तन मन धन से लोग कर रहे हैं। सर ये आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है? हमने निसर्ग संवर्धन ग्रुप करके एक मित्र मंडल तैयार किया हुआ है। अच्छा। और हमारे सब मेंबर हैं। ओके, ओके। हम एक ही कंपनी में एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये कंपनी के साथ साथ आप लोगों ने अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हाँ, ओके। सर आपका पूरा नाम? यशवंत श्रीधर चिरेकर। आप भी इस ग्रुप में है। सर आपका? आप कुछ बताएंगे? हम इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं। अच्छा, ऐसा काम करने आते हैं। थैंक यू सर। सर आपका कोई संदेश? मेरा संदेश ये है, ये जो ग्रुप बनाया है यस सर, ये आगे आकर अमर तड़ेले सर इन्होंने ये ग्रुप बना के सब लोगों को ज्वाइन किया है और इस ग्रुप के माध्यम से हम लोग हर संडे में आके ये काम करते हैं। हम जो काम करते हैं काम को देखकर और भी आदमी यहाँ पर आकर और कहीं जाकर ऐसा काम करके पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद सर, आपका ये संदेश काफी खूबसूरत है और न केवल मैं बल्कि और भी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि रविवार के दिन कम से कम 2 घंटा आप लोगों के साथ जुड़े। सर आपका पूरा नाम? सर विनोद नंदी चौहान, मैं तेलेगांव में कम से कम 15 साल हो गए। ओके सर, फर्स्ट टाइम देखा कि अबाउ 42-43 टेम्परेचर जा रहा है। यस सर, तेलेगांव इज द पीस ऑफ माइंड। यस सर, पीस ऑफ नेचर। और मेरा यही संदेश है, जो संडे के दिन मैं सुबह 7 से 9 छुट्टी बोल के आराम से सोता था, वो अभी यहाँ आके कुछ तो श्रमदान करके अच्छा लग रहा है। बड़ा वास्तव में तेलेगांव की भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा होते जा रहा है कि हम मोबाइल के पीछे, टीवी के पीछे, स्क्रीन के पीछे अपना समय इस तरह बर्बाद कर रहे हैं कि इतने सुंदर विटामिन डी के लिए मिल रहा है जो मुफ्त में, उसके लिए भी हम लोग दवा खा रहे हैं। धन्यवाद सर। सर आप कुछ बोलेंगे? ये कहना चाहता हूँ जब संडे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और बच्चों को भी दिखाओ पेड़ लगाना, आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग से बचे और ऑक्सीजन भी ये सब अच्छा मिलेगा। बड़ा ही अच्छा। आप अगर बातचीत करेंगे छोटे से बच्चे, कैसा लग रहा है? अच्छा, झाड़ लगाने चाहिए ना? आप डेली एवरी संडे आते हो? कहाँ से आते हो? कहाँ से आते हो? रावित। रावित से आते हो? प्राउड ऑफ यू। स्कूल में झंडे आप रिसीट किए हो? ओके ओके। ये जो निसर्ग में जो झाड़ी का कटीकरण हो रहा है तो हो गया है, तो सब आदमी ने एक एक करके घर में जो जो आदमी है उसने हर आदमी ने ऐसा सोचना चाहिए कि एक झाड़ हम लोग लगाना चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ जाएगा, निसर्ग भी खुल जाएगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। इसीलिए सब लोग ने ये सोचा तो निसर्ग क्लियर होके आदमी का आरोग्य भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। अंत में आप अपने ग्रुप के बारे में कुछ बताएंगे? ये जो काम चल रहा है उसके साथ सब लोग 2 घंटा संडे के दिन निकाल के जरूर हमें ज्वाइन कीजिए और ग्लोबल वार्मिंग से बचिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आएँ और इस संडे के अगले संडे को फिर आएँ और इन लोगों के साथ दें, और ये पूरी जो छटा है, ये जो पूरा दृश्य है, आप लोग के सहयोग से ही सुंदर हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, क्योंकि यहाँ न केवल बच्चे बल्कि यंग सीनियर सिटीजन जो हैं वो भी आते हैं। नो डाउट लाइन्स क्लब ने और नगर पालिका ने काफ़ी काम किया है, लेकिन हाँ हम लोगों को भी उनके साथ जुड़कर एक अद्वितीय कार्यों का संपादन करना चाहिए। और आपका क्या? अमर तड़ले, अमर निसर्ग संवर्धन ग्रुप। क्या सर? अमर तड़ले निसर्ग संवर्धन ग्रुप को मैं अंतर दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यों का संपादन कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में एक क्रांतिकारी कार्यों का संपादन भी करेंगे। धन्यवाद।